बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। काइंडली ओपन पेज नंबर 90। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द फर्स्ट करैक्टरिस्टिक इज कंपोजिशन। Carbon is an essential constituent of all organic compounds, or we can say that carbon is the man's skeleton of organic compounds or organic chemistry. Hamare paas organic chemistry ki jo main skeleton hai wo hamare paas carbon hai. Means puri organic chemistry jo hai wo carbon pe base karti hai. To aisa compound jisme carbon nahi hai to wo organic compound nahi ho sakta, kyunki humne organic compound ki definition mein ye baat ki thi. द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड करैक्टरिस्टिक इज कंबशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टेबल इज दे आर मेड ऑफ कार्बन विच इज़ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। थर्ड property is catenation. It is the unique property of carbon. What is catenation? Catenation is the binding of an element to itself through covalent bonds to form chain or ring molecules. Carbon has the property of self-linkage. It can link with hundreds and thousands of other carbon atoms to form long carbon-carbon chains or rings. By catenation, carbon can produce single, double and triple bonds. Carbon can also form bonds with other atoms like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. You can see the example of catenation properties, propane, butane, cyclobutane. इस सब में अगर आप देखें तो carbon ने carbon के साथ एक linkage show किया हुआ, एक covalent bond बनाया हुआ है, तो इस property को हम कहते हैं catenation, और carbon ये property show करता है. फोर्थ करैक्टरिस्टिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मीन्स अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रखते हैं तो वो एवोपरेट हो जाते हैं बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सिंस द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वीक, इट डज नॉट टेक मच एनर्जी टू डिस्टर्ब दैम and thus organic compounds have low melting and boiling points. Organic compounds का low melting और boiling point इस वजह से होता है क्योंकि उनके दरमियान में covalent bonding होती है, ionic bonding नहीं होती बल्कि covalent bonding होती है. ionic bonding हमारे पास strong bonding होती है जबकि covalent bonding उसकी ionic bonding के मुकाबले में weak bond होती है, तो हमें थोड़ी सी हम उसको heat देते हैं, temperature provide करते हैं तो वो melt या boil हो जाता है. Number fifth characteristic is electrical conductivity. Due to the presence of covalent bonds, organic compounds are poor conductor of electricity both in fused state and in solution form. अब हमारे पास ionic bonding नहीं है. अगर हमारे पास ionic bonding नहीं है, it means ions नहीं बन रहे. जब ions नहीं हैं तो electrical conduction कैसे होगी? मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं तो हमारे पास, अगर स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो इट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्सेज की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज. सेवंथ करैक्टरिस्टिक इज आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ फिनोमिनन शोन बाई टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला same molecular formula but different properties due to difference in arrangements of atoms along the carbon skeleton. अब हमारे पास जैसे इसकी अगर हम example देखें n-butane and isobutane. अब n-butane और isobutane को देखें तो दोनों में हमारे पास जो molecular formula है वो same है लेकिन जो arrangement है molecules की वो different है, means उनकी properties जो हैं वो different है. isomerism को हम next chapter में detail में study करेंगे. हम उसमें स्टीरियो आइसोमर्स, सिस्ट्रांस आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सारे आइसोमर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. दिस इज़ द सेवंथ करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एट्स करैक्टरिस्टिक इज़ नॉन आयोनिक करैक्टर. एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर
नॉन पोलर. नॉन पोलर मीन्स इनमें कोई पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, वैसे नहीं आते. वो भी हम आगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें आगे हम डेरिवेटिव्स में जाते हैं तो हमारे पास बनते हैं जब हम रिएक्शंस कराते हैं इनके. अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास नॉन पोलर होता है. उनके दरमियान में हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है. जबकि आयोनिक बॉन्डिंग कौन सी होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक इन NaCl. NaCl का जब कंपाउंड बनता है तो उसमें सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है. जबकि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता कंप्लीट, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन पोलर एंड हैव नॉन आयोनिक करैक्टर. नाइन्थ करैक्टरिस्टिक इज सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. When these forces are stronger, then the intermolecular forces of solute-solute and solvent-solvent, then solute dissolves easily. But the organic compounds are formed by covalent bonds, that is non-ionic and almost non-polar. So most of the organic compounds are insoluble in water. Organic, हमने एक term सुनी थी like dissolves like. Organic compounds के बारे में हम कहते हैं they are non-polar. अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे. नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एट्सेट्रा, ये वाटर में दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लाइक अल्कोहल. अल्कोहल जो है अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OHI जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो हमारे पास वाटर में डिसॉल्युबल होते हैं. जबकि जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ये हमारे पास वाटर में सॉलेबल नहीं होते, बल्कि ये किस में सॉलेबल होते हैं? क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर है, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है. फिर है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. रेट मींस काइनेटिक्स. हम केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स देख रहे हैं तो जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो बिकॉज देयर रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. तो ये हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन मेनी स्टेप रिएक्शंस होते हैं और ये स्लो रिएक्शंस होते हैं. 11th प्रॉपर्टी है सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड बिहेवियर. मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Therefore, they show similar behavior to various reactants. This similarity in behavior has reduced the study of millions of organic compounds to a few homologous series. अब हमारे पास जितने भी organic compounds हैं, they are non-polar हैं और इनका हमें पता है कि जो main, जो essential constituent है वो carbon है. तो mostly जो organic compounds होते हैं इन सब की structural feature जो है वो same होता है, इनका behavior same होता है. इसी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं, लाइक एक फुल अल्काइन एक होमोलोगस सीरीज बन जाती है हमारे पास. 12th प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स. फॉर एग्जांपल स्टार्च हैज़ द फॉर्मूला C6H10O5 होल एम, वेयर एम मे बी सेवरल थाउजेंड्स. आप स्टार्च की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कम्प्लेक्स हैं, मतलब ये कम्प्लेक्सेस बड़े बड़े इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लार्ज और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स होते हैं. इसके अलावा प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड्स टू अ मिलियन. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, इन सबको अगर आप देखें तो इन सब की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, ठीक है. तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द लास्ट करैक्टरिस्टिक इज पॉलीमराइजेशन. जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर्स.
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.